ये इसराइल की मशीन है। ये मशीन बुजुर्गों को भी जवान बना देती है। कानपुर के स्वरूप नगर में रहने वाली राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने ये दावा कर बकायदा कानपुर के साकेत नगर में रिवाइवल वर्ल्ड नाम की संस्था खोल ली। प्रचार किया गया कि उन्होंने इसराइल से एक ऐसी मशीन मंगवाई है जो बुजुर्गों को भी जवान बनाने में मदद करती है। ये मशीन ऑक्सीजन थेरेपी करती है और बुजुर्गों को फिर से युवा बना देती है। कहते हैं कि इंसान में हरदम जवान दिखने की चाहत होती है। वह जवानी कायम रखने के लिए खूब जतन करता है, मगर वह उस समय ये भूल जाता है कि इंसान पैदा हुआ है तो जवान भी होगा और बुजुर्ग भी होगा। वह बुजुर्ग होने से खुद को रोक नहीं सकता। लोगों को इस सोच का फायदा राजीव दुबे और रश्मि दुबे ने उठाया और 60 साल से ऊपर के लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ने 60 साल के लोगों को 25 साल युवा बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ रुपए जमा कर लिए। ऊपर तस्वीर में आप जिन दोनों को देख रहे हैं वो दोनों राजीव दुबे और रश्मि दुबे हैं। इन्होंने दावा किया कि इसराइल के वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन थेरेपी निकाली है। इससे 60 से 65 साल के लोग भी 25 साल के जवान की तरह दिखने लगेंगे। थेरेपी पैकेज की कीमत 90,000 रुपए रखी गई। जवान बनने की चाहत रखने वाले लोगों ने थेरेपी के पैसे दे दिए। ऐसे में दोनों पति पत्नी ने लोगों से 35 करोड़ रुपए ठग लिए और ठगी करके कानपुर से फरार हो गए। बता दें कि जल्द ही लोग समझ गए कि उन्हें ठग लिया गया है। वे ठगी का शिकार हो चुके हैं, मगर किसी ने भी पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें लगा कि ये बात बोलकर उनका मजाक बन जाएगा, मगर फिर ठगी का शिकार डॉक्टर रेनो सिंह चंदेल ने हिम्मत दिखाई और वे सामने आ गई। उन्होंने ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल इस डॉक्टर रेनू ने भी इसराइल की मशीन पर विश्वास करके काफी पैसा इसमें लगा दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि इस मशीन से किसी को भी लाभ नहीं हुआ और कोई भी 60 साल से कम नहीं हुआ। इस दौरान इन दोनों ने कई बुजुर्गों से 6,000 से लेकर 90,000 तक रुपए ठग लिए। बता दें कि जैसे ही पति पत्नी को लगा कि उनका सच सामने आ रहा है तो वे दोनों कानपुर से फरार हो गए। इन दोनों ने लोगों से कहा था कि ये मशीन इसराइल से मंगवाई गई है और इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पूर्वा अंजलि विश्वकर्मा ने बताया, ये ठगी का मामला है। राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन्होंने बोला था कि इसराइल से मशीन आई है, इससे इलाज होगा। 6,000 से लेकर 90,000 तक लोगों से लिए गए मामले की जाँच की जा रही है।